नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट में वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम इस दिन की आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको लगे कि हमें जानकारी देने में सफल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दिन का जब खेल शुरू हुआ तब साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 6 रन था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 194 रन पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका को मात्र 7 रनों की लीड मिली। इसमें सबसे अहम योगदान भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह का रहा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट अपने नाम किए। साथ ही भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटके देकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी, उनके नाम भी 3 विकेट रहे। ईशान शर्मा और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका की तरफ से हाशिम आमला ने सर्वाधिक रन बनाए, उन्होंने शानदार शतक जड़ा, लेकिन अपनी टीम को ज्यादा बड़ी लीड नहीं दिला पाए। आपको बता दें कि भारत की तरफ से दूसरी पारी की शुरुआत में थोड़े फेरबदल देखने को मिले और केएल राहुल की जगह ओपनिंग करने आए पार्थिव पटेल ने शुरुआत में शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो जल्दी चलते बने और 16 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद अब भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक 49 रन बना लिए हैं और उसका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। अब देखना यह होगा कि कल भारतीय टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए कितना बड़ा लक्ष्य रखेगी। अगर 200 रन से नीचे अगर टीम इंडिया आउट हो जाती है तो शायद टीम इंडिया 3-0 से हार जाए, लेकिन 200 के ऊपर 250 के करीब पहुंच जाती है तो साउथ अफ्रीका को अंतिम पारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मैच को जीते तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।